जी नाजीन, ये आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्भरी में। अम्भरी जहाँ पे नाला यहाँ पे जा रहा है और ऊपर बरमस में यहाँ पे तुगयानी हुई है नाले में, और वहाँ से जो है इस वक्त आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी गिलगित भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और काफ़ी यहाँ पे रश लगी हुई है। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी ये तुगयानी और यहाँ पे पत्थर और मिट्टी के तोदे इसमें आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अम्भरी 0 पॉइंट के पास। काफ़ी यहाँ पे लोगों का रश लगा हुआ है। अपनी मदद आप लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं पानी रोकने की, गरु के लिए, गरु पे जो पानी दाखिल हो रहा है उनको रोकने की, और जो रोड पे पानी यहाँ पे दाखिल हो रहा है उसको रोकने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे ऐसी गिलगित भी पहुँचे हुए हैं। काफ़ी यहाँ पे लोगों का रश लगा हुआ है, और इसका मेन जो तुगयानी की जगह है वो है बरमस साइड। बरमस साइड में, खुर साइड में, वहाँ पे बिजली गिरी है, नेचुरल बिजली, वहाँ से जो है तो पानी का बहाव इस वक्त आप लोग देख सकते हैं काफ़ी तेज़ यहाँ पे चल रहा है, और लोग इस वक्त खड़े हुए हैं यहाँ पे और अपनी मदद आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं ऐसी गिलगित भी यहाँ पे पहुँचे हुआ है। जी, इस वक्त मैं यहाँ पे एक लोकल यहाँ का एक बंदे से मैं जानना चाहूँगा कि भाई ये जो आज तुगयानी यहाँ पे हुई है, इससे कोई नुकसानात या किसी का घर तबाह होने की कोई खदशात है कि नहीं, तो आइए हम इससे पूछते हैं कि यहाँ पे कोई तुगयानी के हवाले से कोई घर वगैरह या कोई डैमेजेस वगैरह तो नहीं हुए, आइए हम जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं कि यह जो तुगयानी की वजह से बरमस में इसका मरकज बताया जा रहा है, तो आज सैलाबी पानी का बहाव बढ़ गया है बारिश के पानी की वजह से। अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक तो ऊपर की जो जहाँ इसका मरकज है वहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे घरों को नुकसान पहुँचा हुआ है, लेकिन यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बरी मोहल्ले में, जो मोहल्ला है यहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हैं, लेकिन अब तक घरों के अंदर दाखिल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और ना कोई माली नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छा है कि पानी का बहाव बढ़ने से हो सकता है कि मोहल्ले के अंदर पानी जी हो। यहाँ पे ऐसी साफ अभी पहुँचे हुए हैं और ये